हे एवरीवन, स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग जैसे कि चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं। हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो ये सेकंड डे है जब हम बरेली के वहाँ पर हम उठे, और उसके बाद से मैंने शूट करना शुरू किया। तो इसके हम लोग उठे, हर्षिका और मैं, हम बरेली पहुँच गए थे। और यहाँ से काफ़ी अच्छी ट्रेन है, ठीक ठाक टाइम से तो चल रही है, पर देखते हैं हम कब तक अपने घर पे पहुंचते हैं। उसके बाद हमने वॉशरूम वगैरह किया और थोड़ा आराम फिर कर गए। अब ट्रेन में करना क्या है, तो आराम कर रहे थे अच्छे से। फिर यहाँ पे हर्षिका के डैडी और हर्षिका भी मस्ती कर रहे थे ट्रेन में, ट्रेन के काफ़ी मज़े लिए दोनों बाप बेटी ने। और जैसे ही इनको पता चला से मैं वीडियो शूट कर रही, तो दोनों बाप बेटी मुँह ढकने लग गए। फिर ऐसे किया, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए अम्बाला रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर रुकी थी ट्रेन, और उसके बाद हर्षु के पापा जी और हर्षु ने छोले कुलचे खाए, क्योंकि हमारा खाना तो ख़त्म हो चुका था, और जो खाना थोड़ा बहुत बचा था वो ख़राब हो चुका था। वहाँ से अम्बाला से रेलवे स्टेशन से निकल गई ट्रेन, और हम अब जाने वाले पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल के वहाँ, जैसे कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और हम चल दिए हैं अपनी मंजिल की तरफ। करीब एक घंटा लगा, और वहाँ से हम चंडीगढ़ पहुँच गए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टचअप किया और अपना थोड़ा कंगी वंगी कर लिया। यहाँ पर हर्षिका और हर्षिका के डैडी मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। उसके बाद हम उतर गए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पे उतरे। और उसके बाद हमने ली ऑटो। ऑटो ढूंढ रहे थे, ऑटो बहुत महंगा बता रहा था, तो फिर हमने ले लिया मयूरी रिक्शा। मयूरी रिक्शा में बैठे, और उसके बाद आ गए हम अपने घर की तरफ। तो यहाँ उतरने के बाद हस्बैंड ने पैसे वगैरह दिए, तो 150 के आसपास समथिंग लिए उन्होंने हमें अपने घर तक छोड़ने के लिए। और उसके बाद हम आ गए अपने घर। और यहाँ पर हमने ना अपनी फैमिली को नहीं बताया था से हम लोग आने वाले हैं, तो ये एक सरप्राइज़ था। और हर्षिका को हमने पहले भेज दिया, और हर्षिका को जाकर बोला, हर्षिका ने बोला, दादी मुझे अपना मंदिर दिखाइए, क्योंकि दादी सुबह सुबह फ़ोन कर रही थी, शशिका देखो हमने मंदिर सजाया, तो हम फ़ोन नहीं उठा रहे थे वीडियो कॉल। और उनको सबको सरप्राइज़ दिया, सारे शॉक हो गए, हैरान हो गए से हम लोग आ गए। और मम्मी जी को हमने प्रणाम किया। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई, और उसके बाद मैंने पूजा किया, क्योंकि फर्स्ट नवरात्र था तो मेरा व्रत भी था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।